सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, कहीं भी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इन निशानों का जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पर सवाल आते हैं, तो कंप्यूटर में सवाल भी रोड के निशानों के बारे में ही आते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रैफिक साइन के बारे में। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि ट्रैफिक साइन क्या है। ट्रैफिक के जो निशान होते हैं, जो रोड पर जगह जगह प्लेट लगी हुई होती हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं, उन पर निशान बने हुए होते हैं, उन निशानों का मतलब क्या होता है? अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं भी आ रहे हैं, इंडिया की तो छोड़ दीजिए, इंडिया में तो कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, वहाँ तो सब चल जाता है ऐसे ही। अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं भी आ रहे हैं, सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, कहीं भी अगर आप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन निशानों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन निशानों की वजह से आप कहीं भी नुकसान उठा सकते हैं और जुर्माना भर सकते हैं, मुखालफा आ जाएगा आपका कहीं भी। और सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पर सवाल आते हैं, तो कंप्यूटर में सवाल भी रोड के निशानों के बारे में ही आते हैं। जितने भी रोड के निशान होते हैं, सारे सवाल कंप्यूटर में आते हैं। पहले तो 20 सवाल आते थे, अब सवाल बढ़ा दिए हैं, मेरे ख्याल से 30 सवाल कर दिए हैं, तो सवाल और बढ़ा दिए हैं अब। क्योंकि पहले 20 सवाल आते थे, उसमें 16 सवाल करना लाजिम था, 16 सवाल सही होने चाहिए थे, तब आदमी पास होता था। अभी क्या है, अभी 30 सवाल कर दिए उन्होंने, सवाल बढ़ा दिए हैं, अभी उन्होंने 10 सवाल बढ़ा दिए हैं। तो भाई, आपको ये निशानों का जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी कानून है वो सख्ती से पालन होता है, ऐसा नहीं कि चल जाएगा 100-200 रुपये दे दिया निकल गए, ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी कानून है वो सख्ती से पालन होता है। तो इसलिए अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं, तो आने से पहले ये वीडियो देख लें, आप ये वीडियो देख लें और निशानों को समझ लें। और अगर पहली बार यहाँ आए हैं, अगर आ चुके हैं और वो नए हैं भी, और जो हमारे भाई लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो उनको भी ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस निशान की। भैया, इस निशान का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकना। यहाँ पर रुकना है, जहाँ भी ये निशान बना हुआ होगा वहाँ पर आपको रुकना है, ठीक है? रुकने के लिए निशान होता है। और ये मत समझना कि ये तो लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर जो रोड पर निशान होगा वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा, कहीं लिखा हुआ होगा कहीं नहीं होगा। हर निशान पर, जो भी निशान रोड पर बने हुए होंगे, किसी निशान पर लिखा हुआ होगा कहीं कहीं, वरना लिखा हुआ कहीं नहीं होता है, खाली निशान बना हुआ होता है, ठीक है? ये आपको समझना है, याद करना है, चाहे वीडियो डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में आप याद कर लेना, ठीक है? तो इस निशान का मतलब है रुकने के लिए, कि यहाँ पर रुको, ठीक है? यह है स्टॉप, यानी कि रुको, ठीक है? और इस निशान का मतलब है गिव अवे, यानी कि रास्ता दें। अगर आप कहीं गोल चक्कर पर पहुँचे जैसे, और गोल चक्कर पर कोई गाड़ी पहले से ही अंदर है गोल चक्कर में, तो आप उसको रास्ता देंगे, पहले वो जाएगी, ठीक है? और अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आप हल्की स्पीड से चल रहे हैं, और कोई तुम्हारे इंडिया में अगर आप राइट साइड से तुम्हारी कोई गाड़ी आ रही है, तो आप उसको रास्ता देंगे, यानी कि उसको ओवरटेक करना है तो आप उसको रास्ता देंगे। और अगर गल्फ कंट्री में अगर आप हैं और आपकी बाई साइड से कोई गाड़ी आ रही है, तो आप उसको रास्ता देंगे, या अगर जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है? यानी कि जहाँ भी आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, तो जो भी दूसरी लाइन से गाड़ी आ रही होगी उसको आपको रास्ता देना है, ठीक है? और ये निशान है भैया स्पीड लिमिट का। अगर ये कहीं आपको गोल निशान दिखाई देता है, उसमें अगर नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे कि 60 लिखा हुआ होगा कहीं, कहीं 80 लिखा हुआ होगा, यानी कि 80 लिखा हुआ होगा, या 100 लिखा हुआ होगा, 120 होगा, 140 होगा, तो ये स्पीड लिमिट का होता है। जितना नंबर उसमें लिखा हुआ होगा, आप उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है? जितनी स्पीड लिखी होगी उससे कम में आप चला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं चला सकते, ठीक है? ये स्पीड लिमिट का निशान होता है, ठीक है? यानी कि एक में दिखा रहा, नंबर एक में दिखा रहा है कि आने का रास्ता है, खाली जाना मना है, ठीक है? और दूसरे में दिखा रहा है जा सकते हो, उधर से आने वाला मना है, ठीक है? ये यानी कि वन वे है। और ये वाला निशान होता है भैया नो एंट्री का, ठीक है? इसमें नो एंट्री है। नो एंट्री में अगर आप कहीं भी घुसते हैं, तो इसमें यहाँ पर बहुत तगड़ा जुर्माना है गल्फ कंट्री में। अगर आप नो एंट्री में कहीं भी जाते हैं, जहाँ पर ये निशान बना हुआ होगा, अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको तगड़ा जुर्माना लगेगा, ठीक है? वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये है नो एंट्री के, दोनों निशान नो एंट्री के हैं। और इस निशान में भैया दो आना जाना दोनों के लिए मना है, ठीक है? ये देखिए, दोनों को उसमें मना कर रखा है कि जाना भी मना है और उधर से आना भी मना है, ठीक है? यानी कि इधर कोई रास्ता नहीं है, ना आने का और ना जाने का, ठीक?
और इस निशान का मतलब है भैया हॉर्न प्रोहिबिटेड, ठीक है, हॉर्न बजाना मना है, यानी कि हॉर्न आप यहाँ नहीं बजा सकते बिल्कुल भी। तो ऐसी जगह आप हॉर्न मत बजाना जहाँ पर ये निशान बना हुआ हो। और इस निशान का मतलब है भैया नो राइट टर्न, ठीक है, दाहिने मुड़ना मना है, यानी कि राइट साइड में आप नहीं मुड़ सकते, मना कर रखा है उसने कि राइट साइड में मुड़ना मना है। और यह है भैया लेफ्ट, नो लेफ्ट टर्न, ठीक है, यानी कि बाएं साइड में मुड़ना मना है, लेफ्ट साइड में मुड़ना मना है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा नो यू टर्न, ठीक है, यानी कि आप जिस साइड से जा रहे हैं उसी साइड में वापस मुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, यू टर्न के लिए मना किया हुआ है, मना है, ठीक है, यू टर्न लेना मना है। अगर आप ऐसी जगह यू टर्न लेते हैं तो आपको भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है। और भैया इस निशान का मतलब है ओवरटेकिंग मना है, ठीक है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, आगे निकलना मना है, यानी कि आप, आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है आप उससे आगे निकलना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं निकल सकते, जिस भी स्पीड पे वो चल रही है आपको उसके साथ ही मेंटेन करके चलना है, उसके साथ ही उसी स्पीड से आपको उसके साथ चलना है, ठीक है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते जहाँ पर ये निशान आपके बने हुए होंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये निशान बना हुआ होगा भैया वहाँ पर लिखा हुआ होगा पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी कि पैदल पार करना मना है, यहाँ पर पैदल का रास्ता नहीं है, पैदल करना मना है, ठीक है, पैदल रोड पार करना मना है, या कहीं भी अगर ये आपको निशान बना हुआ मिलता है और आप पैदल जा रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पर मना कर रखा है कि पैदल यहाँ पर ना चलें, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है भैया बाइसाइकिल प्रोहिबिटेड, यानी कि साइकिल का चलाना यहाँ पर मना है, साइकिल से रोड पार नहीं कर सकते, यहाँ पर साइकिल नहीं चला सकते, तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये निशान बना हुआ होगा तो वहाँ पर साइकिल के लिए मना है, ठीक। और भैया अगर आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं या ट्रेलर चलाते हैं, बड़ी गाड़ी लोडिंग की कोई भी गाड़ी चलाते हैं आप बड़ी, तो ये उसका निशान होता है, यहाँ पर ये निशान होगा तो वहाँ पर ट्रक ले जाना मना होगा, यानी कि ट्रक्स प्रोहिबिटेड, यानी कि ट्रक ले जाना मना है, यानी कि लोडिंग की गाड़ी कोई भी होगी बड़ी तो उसके लिए मना किया हुआ है, ये निशान जहाँ पर बना हुआ होगा वहाँ पर बड़ी गाड़ी का, लोडिंग का गाड़ी का ले जाने का मना किया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर ये निशान बना हुआ होगा वहाँ पर सभी गाड़ियों के लिए मना होगा, क्योंकि बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, बड़ी हो, छोटी हो, सारी गाड़ियों के लिए मना किया हुआ है, यानी कि ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, यानी कि सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध है, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, सारी गाड़ियों के लिए मना किया हुआ है। और जहाँ पर ये निशान होगा देखो ये है पार्किंग के लिए मना कर रहा है, नो पार्किंग, ठीक है, कहीं यानी कि आप वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। और ये है निशान, देखिए ये कंपलसरी में आता है, यानी कि रुकना मना है, ये कंपलसरी में ही आएगा, क्योंकि ब्लू कलर है ना इसमें देखो बीच में, तो ये और मना करने का इसमें घोड़ा का निशान काट दिया गया है, तो ये मना भी कर रहा है और रेगुलर भी बता रहा है, ये रेगुलर है, यानी कि जैसे कि बड़े रोड होते हैं, हाईवे वगैरह, नेशनल हाईवे होता है, इंटरनेशनल हाईवे, मान लीजिए कोई बड़ा रोड है तो उस पर ये बोर्ड लगा हुआ आपको ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी स्पीड से चलती है तो वहाँ पर रुकना मना होता है, तो ये इस निशान का मतलब है कि यहाँ पर रुकना मना है। और भैया अगर आपको ये निशान दिखाई देता है कहीं भी तो आप समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड में जाने का ही रास्ता है, कंपलसरी टर्न लेफ्ट, ठीक है, बाएं मुड़ें, और कोई रास्ता नहीं है, आपको वहाँ बाएं मुड़ना ही मुड़ना है, ठीक है, यानी कि ये ज़रूरी, मैंने आपको पहले बता दिया ब्लू कलर में जो भी निशान होगा वो ज़रूरी होगा, ठीक है, वो करना ही करना है आपको, तो ये अगर बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है तो वहाँ आपको बाएं मुड़ना ही मुड़ना है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, आप किसी और साइड में नहीं जा सकते। वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट साइड का, वैसे ही राइट साइड का है, कंपलसरी टर्न राइट, ठीक है, दाएं मुड़े, यानी कि यहाँ भी आपको दाएं मुड़ना है, बाएं का या सीधे का कोई रास्ता नहीं है, आपको अगर वो दिखा रहा है कि राइट जाना है तो राइट ही जाना है आपको, जहाँ पर ये निशान लगा हुआ है वहाँ पर आपको राइट ही जाना है। और आप चल रहे हैं, आपको ये निशान दिखाई देता जा रहा है, बार बार यही बोर्ड आ रहा है, तो आपको सीधा कंपलसरी अहेड, यानी कि सीधा ही चलें, यानी कि कोई और रास्ता है ही नहीं, आपको सीधा ही जाना है, कोई रास्ता आता भी है तो आप कहीं मुड़ नहीं सकते, अगर ये निशान आपको दिखाई दे रहा है सीधा चलें, ठीक है, तो आपको सीधा ही चलना है। वैसे ही देखो ये बाई तरफ ही चलें, यानी कि आप अगर आप यहाँ से आप सीधे चल रहे हैं तो आप राइट साइड को गाड़ी नहीं चला सकते, आप बाई साइड में ही दबा के चल रहे हैं, ठीक है, बाई साइड में ही चलना है आपको, ठीक है, आप यहाँ से राइट नहीं ले सकते, बाई साइड दबा के चलना है, ठीक है, बाई साइड में ही चलना है आपको, बाई लाइन में चलना है, ठीक है। और ये जो अगर बोर्ड है तो ये भैया कंपलसरी अहेड और टर्न राइट, ठीक है, यहाँ पर ये जहाँ पर ये निशान होगा वहाँ पर राइट टर्न भी होगा और सीधे का भी होगा, तो आप अगर आप राइट जाना चाहते हैं तो राइट जा सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है, आप जा सकते हैं, और सीधा जाना चाहते हैं तो सीधा जा सकते हैं। और ये भी वैसे ही है, कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, ठीक है, या तो आप सीधा जाएँ या अगर आपको मुड़ना है तो मुड़ जाएँ।
और भैया जहाँ पर ये निशान होगा तो वहाँ पर हॉर्न बजाना ज़रूरी है। एक निशान मैंने आपको बताया था कि हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना मना है। और यहाँ पर जहाँ पर ये ब्लू कलर में हॉर्न बना हुआ होगा और लाल रेड लाइन से कटा हुआ नहीं होगा तो आपको वहाँ पर हॉर्न बजाना ज़रूरी है, ठीक है। और भैया अगर आपको ये बोर्ड अगर कहीं दिखाई देता है, ऐसा निशान अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो आपकी जितनी पाबंदी लगाई गई थी हॉर्न बजाने की या मुड़ने की या तेज़ भगाने की या किसी भी चीज़ की पाबंदी की जितने भी बोर्ड आपको मिल रहे थे वो सारी पाबंदी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर ये निशान आपको मिलता है। अब जैसे ये देखिए, ये है वार्निंग निशान, ठीक है, वार्निंग दे रहा है ये राइट लेफ्ट हैंड कर्व, यानी कि आगे सड़क बाएं घूम रही है या दाएं घूम रही है, ठीक है। ये दो एक निशान यानी कि बाएं घूमने वाला है और एक दाएं घूमने वाला है, इससे आप समझ जाइए जहाँ पर ये बाएं घूमने वाला निशान होगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आगे सड़क बाएं घूम रही है, यानी कि आगे घुमाव है, तो आप पहले ही होशियार हो जाइए। और ये निशान अगर आपको कहीं दिखाई देता तो इसका आप समझ जाइए आप कहीं चौड़े रोड पर चल रहे थे और आगे जाके सड़क पतली हो रही है, यानी पीछे चौड़ी थी और आगे जाके सड़क नेड़ी हो गई, यानी सड़क छोटी है, तो आप समझ जाइए जहाँ पर ये निशान आ रहा है आपको खबरदार कर रहा है वो कि आगे सड़क नेड़ी है, यानी कि चौड़ाई कम है आगे सड़क की। और जहाँ पर ये आपको बोर्ड दिखाई देगा, ये ऐसा निशान दिखाई देगा तो समझ लीजिए रोड बाइडेंस, ठीक है, सड़क आगे चौड़ी है, ठीक है, यानी कि आप किसी पतली सड़क से आ रहे थे और आगे सड़क चौड़ी होने वाली है, चौड़ी आगे सड़क, तो वहाँ पर ये आपको निशान दिखाई देगा, ये बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है, ठीक है। और ये वाला निशान अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो इसका निशान का मतलब होता है आगे कोई पुल है और पुल जो है तो वो तंग है, यानी कि उस पर ज़्यादा चौड़ी रास्ता नहीं है, तो आप उसी हिसाब से होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए कि आगे पुल आ रहा है और पुल जो है तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है पुल की, तो आप उसी हिसाब से चलें, ठीक है। और जहाँ पर आपको ये निशान दिखाई देगा तो इसका मतलब है राइट लेफ्ट रिवर्स बेंड, ठीक है। ये कहीं कहीं ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि एकदम जैसे कि आप सीधे चल रहे हैं एकदम आपको बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ के फिर एकदम दाएं मुड़ना है, ठीक है, तो ये जेड की तरह होता है ये भी, तो ये उसके लिए निशान होगा आपका। आप इससे समझ जाइए कि कहीं ऐसा मोड़ है कि एकदम आपको दाएं मुड़ना और एकदम से फिर बाएं मुड़ना है। और जहाँ पर आपको ये निशान दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आगे चढ़ाई है, यानी आगे ढाल ऊपर को जा रहा है, ऊपर को चढ़ाई चढ़नी है आपको, ठीक है। और ये निशान होता है ढलान का, यानी पहले चढ़ाई का था और ये ढलान का, यानी आप ऊपर से आ रहे हैं कहीं से और आपके आगे अब आपको नीचे आना है, ठीक है, आगे ढलान है, यानी कि खड़ी उतराई है, ठीक है, एकदम खड़ी उतराई है नीचे को, ठीक है। और ये निशान है भैया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का, ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, आगे जहाँ भी ये पट्टी खींची हुई होती हैं वो समझ लीजिए पैदल पार करने वालों के लिए होती है, वहाँ पर पैदल पार करने का रास्ता है। और जहाँ पर ये निशान आता है भैया ये गति अवरोधक भी हो सकता है, जैसे कि जंप बने हुए होते हैं ना, गति अवरोधक होते हैं बने हुए, ये वो भी हो सकता है और सड़क ऊंची नीची भी हो सकती है, समझ लीजिए, तो आप वहाँ पर गाड़ी स्लो चलाएंगे जहाँ पर ये निशान बना हुआ होगा, ठीक है। और ये निशान जहाँ पर होगा समझ लीजिए वहाँ पर स्कूल है, ठीक है, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है, तो आप लाजिम गाड़ी स्लो चलाएंगे जहाँ पर स्कूल का बोर्ड आता है, ठीक है। ये है भैया लेवल क्रॉसिंग, यानी कि फाटक कहीं आता है ट्रेन का, जो लाइन का फाटक होता है जहाँ पर गार्ड रहता है, तो ये फाटक का निशान है, जहाँ पर भी ये निशान होगा समझ लीजिए वहाँ पर रेलवे ट्रैक है और फाटक है वहाँ पर, ठीक है। और भैया जहाँ पर ये निशान होगा ना, ये देखिए ट्रेन का इंजन छपा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर फाटक नहीं है, यानी कि रेलवे ट्रैक तो है, रेलवे लाइन तो है और सड़क है उस पर, लेकिन फाटक नहीं है। और जहाँ पर ये निशान होगा भैया वहाँ पर है क्रॉस रोड, यानी कि आगे चौराहा है, ठीक है, गोल चक्कर नहीं, चौराहा, जहाँ चार सड़कें हों या पांच सड़कें हों, यानी कि चौराहा जो होता है, गोल चक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो चौराहा होता है रोड का वैसे ही, तो ये उस चौराहे का निशान होगा, अगर जहाँ पर ये होगा तो समझ लीजिए आगे चौराहा है। और ये निशान है भैया गोल चक्कर का, आगे समझ लीजिए अगर ये निशान आता है तो समझ लीजिए आगे गोल चक्कर है, और गोल चक्कर पर आपको रुकना है, पहले देख लीजिए गोल चक्कर में कोई गाड़ी पहले से घूम तो नहीं रही है, कोई आ तो नहीं रही है, अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको रुकना है जब तक वो निकल ना जाए, ठीक है, आपको खाली जगह देख कर तभी आपको उसके अंदर गोल चक्कर के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। और ये जो निशान है भैया फिसलन सड़क, यानी कि स्लिपरी रोड, ठीक है, तो ये निशान अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आगे गारा कीचड़ कुछ भी हो सकता है, यानी कि वहाँ पर आपकी गाड़ी फिसल सकती है, तो आप वहाँ पर गाड़ी बहुत स्लो चलाएंगे बहुत होशियारी के साथ, ठीक है। और भैया ये निशान मिलता है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ी के रास्ते होते हैं, छोटी मोटी चट्टानें हों या बड़ी चट्टानें हों,
तो वहाँ का रास्ता होता है, वहाँ पर ये ऐसे निशान होते हैं बने हुए कि वहाँ पर खतरा होता है कि ऊपर से मिट्टी गिर सकती है या पत्थर गिर सकता है। तो वहाँ पर आपको गाड़ी बहुत होशियारी के साथ, बहुत खबरदार होकर गाड़ी चलानी है, ठीक है।